हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो का F21 Astro 4G वर्सेस ओप्पो का F21 Pro 4G। बल्कि इसके पीछे ऐसा लगा ये अभी अभी लॉन्च हुआ है F21 S Pro 4G वाला। ये है ओप्पो का F21 Pro 4G वाला। इसका 5G वाला मॉडल भी आया, उसका भी कंपैरिजन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दूँ, इन दोनों कोई भी सेट्स ला के देखना, बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपल सा कंपैरिजन रहेगा, आई होप कि वीडियो अच्छी लगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में। प्राइस की बात की जाए तो प्राइस दोनों के सेम है, 23,000 है, और दोनों सेट 4G है। इसको लॉन्च हुए को कुछ दिन हुए, ये 15 सितंबर को लॉन्च हुआ है 2022 में। इसको लॉन्च हुए को हो गया 2-3 महीने हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में, बता दिया 4G है दोनों को बता दिया। अब हम बात करते हैं ओवरऑल डिस्प्ले साइज की। डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं सबसे पहले इसकी, तो इसकी जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो रहेगा 6.43 इंच फुल्ली HD प्लस AMOLED डिस्प्ले क्वालिटी, जो कि 90Hz पे काम करने वाली है। अगर इसकी बात करते हैं, इसकी जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो लगभग सेम ही रहेगा, 6.43 इंच फुल्ली HD प्लस AMOLED डिस्प्ले क्वालिटी, 90Hz पे काम करने वाली। डिस्प्ले साइज आपको दोनों का सेम देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम आते हैं फ्रंट कैमरे में, फ्रंट कैमरा भी आपको दोनों को सेम पोजीशन पर मिलेगा और सेम ही कैमरा मिलेगा। 32 मेगापिक्सल के दोनों कैमरा है, पंच होल कैमरा है, जो कि राइट साइड में आपको कहीं ना कहीं आपको देख लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा पंच होल कैमरा। चेक कर सकते हो दोनों के पंच होल कैमरा। अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात की है तो लगभग सेम है, साइज की बात की है सेम है, फ्रंट कैमरा की बात की है पोजीशन भी सेम और पिक्सल्स भी सेम मिलेंगे आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो पावर लोगो बटन सेम पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम की रोकर का अप डाउन का बटन सेम पोजीशन पे है। सिम स्लॉट सेम पोजीशन पे, दोनों 4G सपोर्ट करते हैं, 5G सपोर्ट नहीं करते। आपकी बात करते हैं सेकेंडरी माइक आपको सेम पोजीशन पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम डाउन की बात करते हैं, डाउन में चेक कर सकते हो स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाएगा, मेन माइक देखने को मिल जाएगा, 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। दोनों का सेम पोजीशन पे, ओवरऑल सेम ही पोजीशन पे देखने को मिलता है। अगर हम बैक की बात करें तो बैक में आपको चेक कर सकते हो, पर इसमें आपको लेदर लुक देखने को मिल जाती है, इसमें थोड़ी मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, इसकी लेदर लुक आती है। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल गया, इसमें भी आपको सेम ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, ये चेक कर सकते हो। ओवरऑल बात करते हैं तो इसकी इसका जो कैमरा मिलेगा वो 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, साथ में सेंसर मिल जाते हैं कैमरा के और फ्लैश मिल जाते हैं, नीचे ब्रांडिंग मिल जाती है आपको ओप्पो की। अगर इसकी बात करते हो, इसका भी कैमरा सेम रहने वाला है, 64 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल, साथ में फ्लैश, नीचे सेंसर मिल जाते हैं। अब चेक कर सकते हो ब्रांडिंग आपकी रहती है ओप्पो की। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेम ही है। अगर हम बात करते हैं इनके वेरिएंट के बारे में, तो 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी रहेगी, और रैम आप सेटिंग में जाके 5GB प्लस और भी बढ़ा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर के बारे में देखा जाए तो प्रोसेसर भी इसके सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। प्रोसेसर में देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर रहेगा इसमें, 4G वाला। इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 680 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, दोनों में सेम, ठीक है। उसके बाद बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी भी दोनों में सेम देखने को मिलेगी, 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 33W का दोनों में फास्ट चार्जर आपको बुक फास्ट चार्जर देखने को मिला। तो बुक फास्ट चार्जर में बेनिफिट क्या है कि अगर आप यूज़ करते समय चार्ज लगाते हो सेम स्पीड में ही ये चार्ज होगा, चार्जिंग की स्पीड को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसका रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो सारा सेम ही है, कलर ही चेंज हुआ है और डिफरेंस आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता, तो बस लुक में चेंज मिल गया थोड़ा सा, ठीक है। बस ये है कि नया मॉडल है, इसमें अपडेट आपको नया मिल जाएगा। तो बस, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सिंपल सा कंपेरिजन था। अगर देखा जाए तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस लुक चेंज किया है ओप्पो ने, बाकी ओवरऑल दोनों सेम ही है। अगर इसके बाद ये यूज़ कर रहा है तो उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर प्रो में जाना तो उसमें आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।